440। शाम का मतलब श्याम बोलते हैं, शे पाली में नहीं होता, मगर शाम और श्याम एक ही मतलब होते हैं। जो काले लोग होते हैं भारत, गोविंदा है तो गोविंदा का मतलब है वी धम्म वर्धन, औरक देखी हो जिसमें, और वो बेसिकली मौर्य और जो अहिर हैं वो है। बहुत पहले की अगर आप जाएंगे तो पाली के साहित्य में जो मौर्य शब्द है या जो मोर शब्द है और जो यदु शब्द तो मिलता नहीं, अहिर मिलता है। यानी एक शब्द आपने सुना होगा, खासतौर से जो कबीरपंथी लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग मोथेरा हैं। पुराने जो लोग हैं वो किसी बहुत ज़्यादा बच्चा बड़ा चंचल हो, बहुत ज़्यादा वाक चतु हो, बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो, दिमाग से तेज हो, या किसी की ना सुनता हो, बहुत सारी बातें काटता हो अपने तर्क से, तो उसको कहते हैं ये तो बड़ा मोथेरा है। और मत्थक बोलते हैं जो मस्तक होता है, यानी कि जो फोर को मथुरा बोलते हैं, ये मत्थु होता था जो मत्थ बन गया। संग्रहालय में जाएंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ बुद्ध की यूनिवर्सिटी के समय की, जो बुद्ध के बाद यूनिवर्सिटी बनी, जो वहाँ आज भी मथुरा में अगर कहीं कोई जगह खोदते हैं तो वहां पर बुद्ध की स्टैचू निकलती हैं। तो बुद्ध वंदना है, उसके अंदर एक लाइन सुनी होगी, विद्या चरण संपन्नो। विद्या जो बोलते हैं वो हायर एजुकेशन को बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर एमए या पीएचडी या एमफिल करता है या डॉक्टरेट करता है या डॉक्टरेट इन जो हायर एजुकेशन, गौ रखा यानी जो आज की डेट में उनके वंशज हैं जिनको गोरखा बोलते हैं, गोरखा या गौ रखा बोलते हैं, रक्षा करते हैं और बड़े ईमानदार और बड़े कर्मठ और पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई भी तरह का जानवर हो। जो गौचर का मतलब है जहां भिक्कु या बुद्ध, तो जितने भी कन्फ्यूजन थे, और क्योंकि साहित्य में जो नाम है वो गौ का जाता है, गौ जो होता है वो सभी के लिए बोला जाता है। गौ माने भिक्कु भी होता है यानी कि जो जानकार होता है, और गौ माने कैटल भी होता है जिसमें गाय भैंस भी आती हैं। और भैंस शब्द पाली का नहीं है, क्योंकि भैंस और भैंसा जो शब्द है वो बहुत बाद में आए हैं। भैंस में दो मात्राएं होती हैं इसलिए भैंस पाली का नहीं है, मगर भैंस यहाँ जो नीचे का जानवर है वो बड़ा फेमस है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी बहुत